मेरे को हमेशा से सवाल रहता है इस चीज़ का कि कृष्णा सबको पसंद है, मतलब चाहे वो बच्चा हो, आपको आप उनको स्टोरी सुनाते हो उनके बचपन के बारे में, बड़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है कृष्णा, काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो सब लोग इतना रिलेट क्यों कर पाते हैं इस कैरेक्टर के साथ? क्योंकि शायद राम के साथ सब लोग रिलेट ना कर पाए, कोई और कैरेक्टर के साथ रिलेट ना कर पाए, बुद्धा के साथ या कोई भी कोई कैरेक्टर हो, कृष्णा के साथ ऐसा क्या है कि सब रिलेट कर पाते हैं? I think the life itself, जो उन्होंने उनके लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं वो ही काफी इंटरेस्टिंग है और काफी रिलेटेबल है. इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे अवतार जो हैं उनकी लाइफ स्टोरीज काफी रिलेटेबल हैं अलग अलग पॉइंट में, पर भगवान कृष्ण का जो बचपन सबसे ज्यादा बताया जाता है और जो उनकी शरारतें उनकी अथेलियां जो उनकी बताई जाती है उनकी लीलाओं में, आई थिंक वो बहुत लोगों को पसंद आती है. तो एज अ किड यू नो बच्चों को हम हमेशा डांटते हैं कि तुम बदमाशी मत करो या यू नो तुम भारतीय मत करो, अच्छे बच्चे बन के रहो, और यहाँ पे एक भगवान है जो खुद ही बदमाश है. सो आई थिंक वो तो एक फैक्टर सबसे बड़ा हो जाता है वहाँ पे उनको पसंद करने का. और जो उन्होंने बाद में भी अपनी लाइफ में लेटर पार्ट में भी जो उन्होंने एक्ट किए हैं उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है. जैसे उन्होंने यू नो द्रौपदी के मान की रक्षा की, उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन दिया वो भी एक बैटल फील्ड में, और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं द्वारका बनाई, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया उनकी प्रोटेक्शन के लिए. ऐसी चीजें हैं जो एकदम आउट ऑफ ऑर्डिनरी है जो लोगों को बहुत आकर्षित करती है. सो डेफिनेटली आई थिंक भगवान कृष्ण की तो लीलाएं इतनी है और इतनी अद्भुत है कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा. आई थिंक जो अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं हम, जो बहुत ही एक थ्योरेटिकल चीज लगती है, प्रैक्टिकली हम नहीं देखते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स में, आई थिंक वो एक अनकंडीशनल लव जो है उनकी फ्रेंडशिप्स में वो नजर आता है, चाहे वो अर्जुन के लिए हो, चाहे वो सुदामा के लिए हो, चाहे वो गोपियों के लिए हो. बहुत लोगों को ये गलत धारणा होती है कि उनका रोमांटिक रिलेशनशिप था गोपियों के साथ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. गोपियां जो थी वो उनकी दोस्त थी, उनकी सहेलियां थी, उनसे उम्र में भी बड़ी थी, पर जो उनका प्योर रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ था, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए जो कुछ भी किया, आई थिंक वो कोई भी नहीं कर सकता है. और हम अगर देखें जो भगवद गीता पूरा उन्होंने रिसाइट किया है, वो उन्होंने अर्जुन को इसलिए रिसाइट किया क्योंकि अर्जुन उनके दोस्त थे. वो वहां दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होके सारी जितनी सेनाएं वहां एकत्रित हैं, कौरव पांडव सबको वो भगवद गीता का प्रवचन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो प्रवचन उसको दिया जो उनका सबसे प्रिय मित्र था. और बहुत जगह उन्होंने ऐसी वो एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पे द्रौपदी जैसे उनकी मित्र थी, द्रौपदी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, पर उन्होंने द्रौपदी का मान तब बचाया जब उनके द्रौपदी के अपने हस्बैंड्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, वनवास में थे पांडव, तो तब वहां पे दुर्वासा ऋषि को भेजते हैं दुर्योधन, और दुर्वासा ऋषि अपने सारे जितने उनके शिष्य थे काफी सारे ऋषि मुनियों को साथ लेके जाते हैं उनके आश्रम पे जहां पे पांडव रुके हुए हैं, और वहां जाके वो पूछते हैं कि भाई हमें खाना चाहिए तो आप हमें खाना खिलाएंगे क्या. तो ऑफकोर्स युधिष्ठिर और पांडव का फर्ज बनता है उनको वो खिलाना, तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप स्नान करके आइए और हम खाना वगैरह रेडी करते हैं, और द्रौपदी को वो बोलते हैं, और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है जो सूर्यदेव ने दिया हुआ है, पर वो अक्षय पात्र में खाना तब खत्म हो जाता है जब द्रौपदी ने खा लिया हो. जब तक द्रौपदी नहीं खाती तब तक वहां उसमें खाना खत्म नहीं होता है. दे कुड हैव बीन अनलिमिटेड फूड जो उन ऋषियों को प्रोवाइड किया जा सकता था, पर द्रौपदी ऑलरेडी खाना खा चुकी थी तब तक. और तब द्रौपदी को सिर्फ एक नाम याद आया, कृष्णा. और कृष्ण जी वहां फटाक से पहुंचे और उन्होंने उनको द्रौपदी को जाके पहले उन्होंने तंग किया, उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो पहले. वो जो उनकी नॉटीनेस है ना, जो उनकी शरारत है, वो बहुत ही ज्यादा उनको एंडेयरिंग बनाती है. और वो उनको बोलते हैं कि नहीं तुम पहले मुझे खाना दो फिर ऋषियों के खाने की बात करना. और द्रौपदी उनको दिखाते हैं कि ये देखो बर्तन खाली है, और कृष्ण जी को उसमें एक दाना चावल का मिलता है जो वो लेते हैं, और वो उससे
अपने मुंह में डालते हुए कहते हैं कि इससे सारे संसार की क्षुधा शांत हो जाए, सारे संसार की भूख शांत हो जाए इससे. आई थिंक इट इज सो ब्यूटिफुल. व्हाट वाज़ ही गेटिंग आउट ऑफ इट? उनका कोई अपना स्वार्थ तो उसमें सिद्ध नहीं हो रहा था, है ना. वो इतनी दूर से वहां पहुंचे सिर्फ अपनी फ्रेंड की, अपने फ्रेंड्स की, बाकी भी द्रौपदी और पांडवों की इज्जत रखने के लिए. यही उनकी खासियत है दोस्ती की. और सर सुदामा के साथ उनका किस तरीके का रिलेशन था? सुदामा तो आप देखिए वो साथ में पढ़ते थे बचपन में, पर और उसके बाद वो कभी नहीं मिले जब तक सुदामा नहीं पहुंचे. सो मतलब इतने साथ भी उन्होंने वही रिस्पेक्ट दी और वही उनको मान दिया जो एक एक घनिष्ठ मित्र को दिया जाता है. क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को आप कैसे ट्रीट करते हो वैसे उन्होंने ट्रीट किया इन स्पाइट ऑफ मीटिंग हिम आफ्टर मेनी इयर्स. सो उनका तो और बिना बोले उन्होंने जो सुदामा के मन में था ना सुदामा बोल पाए और ना ही कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्यों आए हो. पर उन्हें पता था सुदामा के घर पहुंचने तक उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी. सो आई थिंक उससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा सेल्फलेस फ्रेंडशिप का या सेल्फलेस अनकंडीशनल फ्रेंडशिप का. सो भगवान कृष्ण की हम मतलब भगवत गीता तक भी जाने की हमें जरूरत नहीं है. उनकी जो अर्ली लाइफ थी आप देखिए उन्होंने कितने दुख झेले. उनके माता पिता को बंदी बना दिया गया, उनके पैदा होते ही उनको ट्रांसफर कर दिया गया जहां वो एक प्रिंस के रूप में होते, प्रिंस की लाइफ जीते, उनको ग्वालों के साथ जीना पड़ा, ग्वालों के साथ बड़ा होना पड़ा. He made the best out of the situation. उन्होंने कभी उनके बड़े होके भी उन्होंने कभी बाद में क्रिब नहीं किया कि यार मेरी लाइफ क्या हो सकती थी और क्या हुई. उन्होंने एंजॉय किया ईच मोमेंट लाइफ का जो भी थे, जो चाहे वो अच्छे मोमेंट से चाहे वो खराब मोमेंट से. बचपन से ही उनके ऊपर कितने अटैक्स हुए, कंस के भेजे हुए राक्षस जो थे. चाहे हम स्टोरीज को सच माने या एग्जैजरेशन माने, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल उसमें इनपुट जरूर होगा कि उनकी लाइफ के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए. जब वो बड़े हो रहे जब तक वो टीनेज तक पहुंचे तब तक भी उन कंटिन्यूस राक्षसों के अटैक्स हो रहे थे. ही डेल्ट विद एवरीथिंग. उसके कारण उनको पूरे उनके गांव को उनको शिफ्ट होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह ताकि उनको थोड़ी सेफ्टी मिले. उन्होंने इतनी सारी चीजें देखी है अपनी लाइफ में. अपने ही मामा ने उनको मारने की कोशिश की, अपने आपके क्लोजेस्ट जो संबंधी होते हैं उसी ने आपको मारने की कोशिश की कई बार और फिर फाइनली फेस टू फेस भी उन्होंने मतलब एरिना में जहाँ पे वो सब जहाँ मथुरा में जब वो पहुंचे और जब वहां पे वो पूरी द्वंद्व ऑर्गेनाइज किया हुआ था चाणूर और मुष्टिक और सब पहलवान वगैरह थे तो वहां आप इमेजिन करो कि एक टीनेजर को एक बच्चे को कैसा लगेगा कि उनका मामा जो राजा है वो वहां बैठ के ऑर्डर दे रहा है पहलवानों को कि इन दो बच्चों को मार दो. सो इमेजिन ही डेल्ट विद सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन. अप्रिशिएट नहीं करते. और उसके बाद भी उन्होंने सारी जब से उन्होंने छोड़ी मथुरा जब से उन्होंने वृंदावन छोड़ा वो कभी दोबारा नहीं गए. उनके सारे बचपन के साथी, उनके फ्रेंड्स, गोपियां, माता, उनको कभी दोबारा नहीं मिले. इनफैक्ट महाभारत में सिर्फ एक बार दोबारा मेंशन है आई थिंक जहां एक आई थिंक सूर्य ग्रहण होता है कुरुक्षेत्र में जब वहां पे भगवान कृष्ण भी आते हैं द्वारका से और वृंदावन के वाले भी आते हैं वहां पे. वहां जाके ये लोग दोबारा मिलते हैं. सो ही नेवर मीट्स देम अगेन. और कितने लोग उन्होंने अपनी जिंदगी के खोए बट स्टिल ही केप्ट स्माइलिंग. यू नो ही केप्ट मेकिंग फ्रेंड्स. वो जिनको भी मिले उनके साथ अच्छे से रहे, उनको अपना बेस्ट 100% देते रहे. आई थिंक उससे ज्यादा मतलब और क्या बोल सकते हैं हम. यू नो किसी से लर्न करने के लिए उससे ज्यादा एक और चीज क्या होगी कि किसी भी सर्कमस्टांस में किसी भी सिचुएशन में आपको हताश नहीं होना है. 16-17 बार जरासंध ने अटैक किया इसीलिए उनको द्वारका शिफ्ट करना पड़ा. मूविंग यू नो फ्रॉम अगर हम आज पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलते हैं हमें पता है कितनी मुश्किल होती है किसी नए शहर में जाके रहना, किसी नए कल्चर में जाके रहना. उन्होंने खुद भी मूव किया, अपनी पूरी की पूरी प्रजा को मूव करवाया, नई एक सिटी बनवाई
और उसमें उन्होंने उसको भी उन्होंने समृद्ध बनाया. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. हम एक इंडिविजुअल होके हम नहीं कर पाते, उन्होंने तो पूरा का पूरा शहर बसाया. सो आई थिंक बहुत कुछ है ऐसा सीखने का उनकी लाइफ से.